नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सावन का महीना आने वाला है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहने वाली है और सावन मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन साथ में माता गौरी की भी विशेष पूजा की जाती है। विशेष प्रकार का व्रत होता है जिसे मंगला गौरी का व्रत कहा जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार सावन मास हिंदी का पांचवा महीना होता है और इस समय चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली होती। सावन में पड़ने वाले मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बहुत सी महिलाएं खाली सावन में जो मंगलवार पड़ता है वही व्रत रखती हैं, बहुत से लोग 16 व्रत रखती हैं। जैसे सावन का 16 सोमवार का व्रत होता है, उसी तरह मंगलवार का व्रत होता है जो कि मंगला गौरी का व्रत होता है। तो दोनों व्रत रख सकते हैं, मन्नतों के ऊपर होता है। आप चाहे तो 16 व्रत सावन से शुरू करके 16 व्रत रख सकती हैं 16 मंगलवार तक, या फिर आप खाली जो सावन का व्रत है सावन में जो चार व्रत पड़ेंगे मंगलवार को आप वो व्रत भी रख सकती हैं। 16 की संख्या का विशेष महत्व माना गया है और इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। उस पौराणिक कथा के अनुसार हर चीज़ जो भी चढ़ाई जाती है वो 16 की संख्या में होती है। तो अगर हम सावन की बात करें तो सावन में चार मंगला गौरी के व्रत रखे जाएंगे। पहला मंगला गौरी का व्रत जो है वो 27 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा जो है 3 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा 10 अगस्त को पड़ेगा और चौथा मंगला गौरी का व्रत 17 अगस्त को रखा जाएगा। तो ये चार मंगला गौरी के व्रत सावन के महीने में रखे जाएंगे। सावन का जो महीना होता है वो बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, घोर तप किया था, जिसके परिणाम स्वरूप माँ पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। तो यह महीना बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, इसीलिए इस महीने में सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को समर्पित है, साथ में ये माता पार्वती को समर्पित है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यह व्रत क्यों रखा जाता है और कौन ये व्रत रख सकता है। तो सभी सुहागिन महिलाएँ अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं, साथ में कुंवारी लड़कियाँ भी इस व्रत को बहुत ही अच्छे से रखती हैं, अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। तो जो कुंवारी लड़कियां हैं वह 16 मंगला गौरी का व्रत रख सकती हैं या फिर वो 4 सावन के सोमवार का व्रत भी रख सकती हैं। साथ में यह व्रत संतान की बनी रहने, संतान की सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए भी रखा जाता है। अब मैं बात करूंगी कि पूजा विधि क्या है। सावन के सोमवार की जैसे पूजा करते हैं उसी तरह मंगला गौरी के व्रत की भी विशेष पूजा होती है। तो पूजा के लिए एक चौकी लेंगे, चौकी पे आप लाल रंग का वस्त्र आप बिछा देंगे, उसके ऊपर आप माँ पार्वती, शिव भगवान और गणेश भगवान जी की फोटो रखेंगे। साथ में आप जो है माँ गौरी को आप गोबर से या मिट्टी से माँ गौरी को और गणेश भगवान जी को सुपारी से बना के वहाँ पर स्थापित करेंगे। 9 ग्रह आप बनाएंगे, 9 ग्रह बना हुआ आपको मार्केट में मिलता है वो रख सकते हैं, या 9 ग्रह के चावल आते हैं अलग अलग कलर के आप वो बना सकते हैं एक तरफ। फिर उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना में हमें अष्टदल कमल बनाना है और अष्टदल कमल के ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। उसके कलश लेंगे आप, कलश या पीतल का हो सकता है या का हो सकता है, उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे, चावल भर के धाने रखेंगे। बहुत से लोग नारियल रखते हैं, आप नारियल रख सकते हैं कलश के ऊपर या नारियल ना रखें तो भी चलेगा। उसके बाद 16 ढेरियाँ बनाई जाती हैं दूसरे समय, तो चौकी जो है वो आपकी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तो वहाँ पर चावल की 16 ढेरियाँ बनाई जाती हैं और उसके ऊपर आप काजू, बादाम, मूंगफली, लौंग, इलायची, कुछ भी जो 16 हो वो ढेरियों के ऊपर एक एक करके रख दिया जाता है। उसके बाद फिर अब पूजा स्टार्ट होती है। पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है, उन्हें जल अर्पित किया जाता है, माँ पार्वती को जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद कुमकुम रोरी लगाते हैं, अच्छा चढ़ाते हैं, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। आप चाहें तो पीले रंग का वस्त्र ले सकते हैं, नहीं तो रक्षा सूत्र पहना देंगे। माँ पार्वती को भी सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद 16 की संख्या में श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। तो 16 की संख्या का विशेष महत्व है, पौराणिक कथा है, उसी की मान्यता के अनुसार ये है।
तो 16 की संख्या में सिंगार का सामान चढ़ाते हैं या जो भी चीज़ है वो आप 16 की संख्या में ही चढ़ाते हैं। माँ पार्वती को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएंगे, आप चाहे तो साड़ी चुनरी ये चढ़ा सकते हैं। साथ में आपने जो फोटो रखी है जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती हैं उनकी भी पूजा, हम भगवान शिव की पूजा भी साथ में करेंगे। उसके बाद फल फूल चढ़ाएंगे, जो भी आप भगवान शिव को जो भी चीज़ पसंद है सावन के महीने में जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कनेर का फूल हो गया, ठीक है, तो धतूरा हो गया, तो इस तरह की जो भी चीज़ मिल पाए वो भगवान शिव को बेलपत्र है वो चढ़ाएंगे। उसके बाद फल फूल चढ़ाने के बाद जो भी आपने मीठी चीज़ अपने हाथों से बना के रखी है वो चढ़ाएंगे। 16 पूड़ियाँ आप बना सकते हैं, उसके साथ आप हलवा चढ़ा सकते हैं। इस तरह से मीठी चीज़ आप जो भी बनाए अपने हाथों से वो भोग लगाएंगे। और इस तरह से हमें मंगला गौरी का व्रत करना है। उसके बाद भगवान शिव, गणेश भगवान जी, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करेंगे, मंगला गौरी का व्रत कथा पढ़ेंगे। जो मंगला गौरी की व्रत कथा होती है वो पढ़ेंगे। तो इस तरह से संपूर्ण पूजा विधि है। जैसा कि मैंने बताया, इस व्रत का विशेष महत्व होता है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। यह व्रत रखा जाता है, साथ में संतान की सुख समृद्धि बनी रहे, घर में धन धान से परिपूर्ण रहे, इसलिए भी व्रत रखा जाता है। तो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि मंगला गौरी का व्रत क्या कुंवारी लड़कियां रह सकती हैं, तो हाँ ज़रूर रह सकती हैं। उसके बाद जो इसकी उद्यापन विधि होती है वो विधि विधान से करनी चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। आप चाहें तो व्रत रख के आप उद्यापन कर सकते हैं या किसी पंडित जी को बुला के आप उद्यापन कर सकते हैं। सीधा जरूर निकाले व्रत करने के बाद, एक समय का खाना या किसी पंडित जी को आप भोजन करा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इस व्रत के नियम क्या है। तो सुबह उठ के स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में एक ही नियम है कि हमको एक अन्न खाना है, वो अन्न आप सुबह या शाम को कभी भी कर सकते हैं। एक अन्न आप खा सकते हैं, एक अन्न खा के ये व्रत रखा जा सकता है। जैसे कि आप दिन भर फलाहार करिए या पूजा से पहले आप निर्जला रखिए पूजा करने के बाद। तो पूजा कब करनी है, आप पूजा सुबह के अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं या प्रदोष काल मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो दोनों समय आप पूजा कर सकते हैं। एक अन्न खा के पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं या फलाहारी खा के भी व्रत रखा जा सकता है। तो ये थे व्रत के नियम। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी इससे जुड़े आपके मन में सवाल है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। साथ में मैं आगे वीडियो में पूजा विधि करके दिखाऊँगी, तो उसकी लिंक मैं बाद में इसमें डाल दूँगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जय माँ पार्वती। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे तीन ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।